देश में चल रही कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी जिलों के जिलाधिकारी को आदेश दे चुके हैं कि जिले में कोई भूखा ना सोए और उसके बावजूद भी मेरठ में आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोग भूखा पेट सोने को तैयार हैं, जिसका कारण है जिला प्रशासन के सामुदायिक रसोई में बन रहा बदबूदार खाना जो लोगों तक पहुँच रहा है और लोग उसको खाकर बीमार तक हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ में सामने आया सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के सुभाष नगर गली नंबर 2 का, जहां पर जिला प्रशासन की रसोई से स्थानीय पार्षद को 200 पैकेट बदबूदार खाने दिए गए, जिसके बाद पार्षद ने खाना वितरण किया तो पता चला कि उसमें बदबू उठ रही है और खाना बासी है। आपको बता दे, जिले के आला अधिकारी अपनी निगरानी में सामुदायिक किचन चला रहे हैं, जिसके नोडल अधिकारी मेरठ की CDO हैं। इन सामुदायिक रसोई से जनता को जो खाना दिया जा रहा है वह बदबूदार है। जिला प्रशासन का दावा है क्या वह जिले में किसी को भी भूखा नहीं सोने दे रहा है, लेकिन साथ में बीमारी भी बांट रहा है, क्योंकि जो जिला प्रशासन के सामुदायिक रसोई से खाना वितरण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता खराब है। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सुभाष नगर गली नंबर 2 के पार्षद पवन चौधरी को जब नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार यहाँ भोजन देकर गए, उसके बाद तुरंत उन्हें फोन किया गया, जिसमें बताया कि खाने से बदबू उठ रही है, तो नोडल अधिकारी ने खाना बदलने की बात कही, लेकिन 2 घंटे तक भी खाना नहीं बदला गया और लोग भूखे ही अपने घर के बाहर बैठे दिखाई दिए। प्रदेश सरकार के मुखिया किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के फंड से काफी पैसा दे रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान भूखा ना सोना पड़े और कोई परेशानी ना हो, लेकिन मेरठ जिले के जिलाधिकारी और तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी उनकी बातों को और आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। लोगों को बदबूदार खाना बांटा जा रहा है, जिस पर स्थानीय पार्षद का कहना है कि वह अगर कोरोना महामारी से नहीं मरेंगे तो ऐसे बदबूदार खाना खाकर जरूर मर जाएंगे। स्थानीय पार्षद ने जिले के जिलाधिकारी अनिल ढिंगरा और कमिश्नर अनीता मेश्राम को भी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वह पैसा कहाँ पर खपाया जा रहा है और लोगों को अच्छा भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है जो ऐसे ठेकेदारों पर जिला प्रशासनिक अधिकारी रहम करे बैठे हैं? मेरा नाम पवन चौधरी है। खाना बेकार है, सड़ा हुआ है, परसों भी ऐसी आया था, जो मैंने नोडल अधिकारी और SDM साहब को कंप्लेंट करी कल, तो उन्होंने कल शाम तो खाना सही भेज दिया, उसके बाद आज फिर खाना सड़ा हुआ है, बेकार आया, जो पब्लिक ने आकर मेरे पास फेंक दिया और मेरे साथ बदतमीजी करी और मैंने SDM साहब को कंप्लेंट करी। 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तक तो कोई आया नहीं। कौन अधिकारी था जिन्होंने खाना पहुंचाया, शिकायत करने हैं? एक तो SDM साहब है चंद्रेश जी, और एक संदीप श्रीवास्तव है, और एक नोडल अधिकारी है प्रदीप कुमार जी। किस तरीके से आपने खाने को जांचा है? क्या भाई पब्लिक लाई, मैंने खाना चेक करा, खाया तो इसमें स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। कैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को आपने अभी फोन किया है, क्या DM आपको जवाब मिला? मैंने DM साहब को करा, कमिश्नर साहब को, उन्होंने फोन नहीं उठाया। SDM साहब ने कहा कि देखते हैं खाना बदलवाते हैं, लेकिन इस बात को 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तक खाना नहीं बदला, ना ही कोई आया। रसोई के नोडल अधिकारी यहाँ पर CDO को बनाया गया है, कि आपने CDO को अभी तक कॉल किया है? उनको नहीं करा मैंने, नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार जी को करा था, और SDM साहब को। सरकार खाना बांट रही है, आपके पास भी खाना पहुंचा है, कैसी गुणवत्ता, इसमें क्या कमी दिखाई? जब हमने खाना और गरीबों को दिया तो उनके पास से वापिस आया कि हमारा खाना खराब है, ये हमने चेक किया तो वो खाना खराब है, उसमें दुर्गंध आ रही है, तो इसलिए हमने पार्षद को बताया। पार्षद जी ने मीडिया को बता के इस चीज़ें बताई हैं कि खाना वहाँ से परसों भी खराब आया था और आज भी खराब है। सरकार जैसे आदेश करे गरीबों को खाना मिले, कोई भूखा ना रहे, लेकिन जैसे अधिकारी मजाक उड़ा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कहना चाहेंगे कि खाना खराब ना दें, क्योंकि बीमारी से वैसे लोग परेशान हैं और खाना खराब खाएंगे तो और बीमार हो जाएंगे। कितने पैकेट थे? 200 पैकेट थे। क्या नाम है आपका? मेरा नीलम अग्रवाल।